डोरा दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आज हम बंठन के इसलिए बैठे हुए हैं कि आपसे मिलना था। ऑफिस से हैं भाई और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। सब्सक्राइब करो प्लीज़। अच्छा, आज हम किस बारे में बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में जो करियर है, किस दिशा में देर आर अपॉर्चुनिटीज़, लाइक विच सेक्टर हैज़ हाइएस्ट अपॉर्चुनिटीज़। तो यार, मैं इमिग्रेशन लॉयर तो हूँ नहीं, तो मेरी जो सारी वीडियोज़ होती हैं ना, वो काफ़ी जनरल लेवल पर बेस्ड होती हैं। तो अपनी रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च, बट इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अब न्यूजीलैंड एज अ इकॉनमी समझना पड़ेगा ना अपॉर्चुनिटीज समझने के लिए। तो न्यूजीलैंड प्राइमरली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, फल, फूल, दूध, फिशरीज़, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट सेक्टर, यू विल ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ हेयर। ठीक है, दूसरा टूरिज़्म, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो ऑफकोर्स देर आर हीप्स ऑफ कैफेज़ हेयर, कैफ़ेज़ हैं और मोटेल्स हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत मिल जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जब इकॉनमी कोई आगे बढ़ती है ना, उसकी सपोर्ट सिस्टम के लिए चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सेक्टर है ना, दैट हैज़ बीन बूमिंग द मोस्ट इन न्यूजीलैंड। तो जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, साइट मैनेजर्स, इनके लिए दे आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेयर। सो दिस इज़ द सेक्टर फॉर्चुनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ। तो मैंने ये बेट इस मेरे जैसे किसी की देख के ली थी, तो इट पेड ऑफ। तो ये है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं, और कौन से सेक्टर हैं। तो एक न्यूजीलैंड की एक मीडियन एज जो है ना, वो 38 इयर्स ओल्ड है। तो न्यूजीलैंड प्राइमरली एक काफ़ी ओल्ड कंट्री है, इंडिया की शायद 28 या 27 है। तो यहाँ पे इसकी वजह से नर्सिंग एक बहुत बहुत सही सेक्टर है। नर्सिंग, मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर्स, दे ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी गुड सेक्टर, यू कैन आई इन टू एज वेल, ठीक है। अब जब कोविड हुआ, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव रियलाइज्ड की थिंग्स दे आर लैकिंग। तो न्यूजीलैंड ने एक इकोनॉमिक वो प्लान इशू किया है कि वी वुड हेविली इन्वेस्ट इन टू दीज टू सेक्टर्स। उसमें इन्होंने शायद $3 बिलियन डाले हैं। उस वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरा है नर्सिंग, ठीक है। तो अभी भी तुमने देखा होगा, बहुत ज़्यादा होड़ चल रही है कि नर्सेज कैन गेट फ्री रेजिडेंसी एक्सप्रेस वे में, और कंस्ट्रक्शन पीपल कैन हैव रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़ है। सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन दिस कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो यूज़ भी तो करना है, बिकॉज जब पैसा गवर्नमेंट डालेगी तो बिजनेसेस उसको उठाएंगे एंड दे विल फ्लरिश इन दोज एरियाज, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसके आगे थोड़ा सा और कंट्री की स्ट्रैटेजी में जाते हैं। अब कंट्री क्या करती है, दे रियलाइज कि यार ये सेक्टर्स हैं हमारे, ये सेक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, वी आर लैकिंग हियर। सो व्हाट दे क्रिएट इज कि यार हमारे पास लोग तो है नहीं, वी वांट पीपल टू कम एंड हेल्प अस आउट। सो व्हाट दे क्रिएट इज, दे क्रिएट स्किल शॉर्टेज लिस्ट, ठीक है। तो उसी में तुम स्किल माइग्रेशन करते हो। तो दैट इज़ व्हाट पीपल लाइक यू एंड अस डू कि यार ये स्किल शॉर्टेज है, यहाँ पे वी कैन ब्रिंग दिस इनटू वैल्यू, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली समझ लिया, अब थोड़ा हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब अंदर आने के लिए देखो, मैंने तुम्हारे यहाँ पे लिंक लगा दिया है, ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेजेस हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब इसके अगर आप कभी पार्ट हो, तो यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी गुड प्लेस, कि यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड जॉब्स हेयर, क्योंकि शॉर्टेज है ना भाई, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लो है, तो यू विल ऑलवेज बी इन अ वेरी सेफ लोकेशन, ठीक है। अब इसके अलावा हर साल या फिर हर 3-4-5 साल में इमिग्रेशन अपनी स्ट्रैटेजीज थोड़ी थोड़ी चेंज करती रहती है। तो अभी एक चीज़ चल रही है, ग्रीन लिस्ट, ठीक है। ग्रीन लिस्ट में ये सारे जो जॉब्स हैं, यहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, और ये सारे जो जॉब्स हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि सर हम सारी अपनी जो PR वाली कंडीशंस हैं, वी वुड हैव न्यू कंडीशंस फॉर दीज ग्रीन लिस्ट। उसमें क्या है कि अगर आपके पास किसी न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर है, ठीक है, चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना बैठे हो, आप प्लीज़ इधर आ जाओ, हमें जॉब ऑफर दिखा दो, एंड स्टे इन दिस कंट्री फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तो दैट इज़ वॉट दिस ग्रीन लिस्ट इज़ ऑल अबाउट। तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे चलता है, एंड इमिग्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करती है, एंड दे ब्रिंग पीपल इन। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इन अ नटशेल, आई डोंट थिंक यू शुड गो विद एजेंट्स एंड स्टफ, क्योंकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की अगर तुम वेबसाइट देखोगे ना, इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स आई हैव सीन फॉर अप्लाइंग वीज़ाज एंड स्टफ। काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्लेन इंग्लिश में है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर न्यूजीलैंड आके क्या ही करोगे ना। तो दैट्स ऑल अवेलेबल। दूसरी बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि तुम्हारी रीजन वाइज, न्यूजीलैंड में आओ तो कहाँ पे आओ।
देखो अब ये जो स्किल शॉर्टेजेस लिस्ट होती है ना, इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि तुम किस रीजन में जा रहे हो। जनरली ऑकलैंड में क्या होता है ना, एवरीवन वांट्स टू स्टे इन ऑकलैंड, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, न्यूजीलैंड का 44% पॉपुलेशन जो है वो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड में ही रहता है। सो देयर लाइक यार ऑकलैंड पूरा डेंसली पॉपुलेट हो रहा है, बहुत महंगा हो रहा है, वी वॉन्ट पॉपुलेशन टू गो आउट एंड यूज दीज स्किल्स देयर एज वेल ना, कि और भी हम सिटी सेंटर्स डेवलप करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, दे गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कि तुम्हारे 160 जो पिछली वीडियो में बात करी थी उसमें 30 पॉइंट्स दे गिव यू, कि अगर तुम आउटसाइड ऑकलैंड से अप्लाई कर रहे हो। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसिडर एज वेल। ठीक है, अब आप कहते हो सर वो सब तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज समझ में आ गई, पैसे का क्या सीन है, सबसे ज़्यादा पैसा किस में बना सकता हूँ। हम इंडियंस में ये भी होता है ना, हम सबसे ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई एम अ कैपिटलिस्ट, सो आई एम ऑल अप फॉर इट। तो देखो यार पैसे का क्या है, न्यूजीलैंड में जो एवरेज पेइंग रेट है वो है अराउंड $21 एन आवर, नॉट एवरेज, मिनिमम, इससे नीचे तुम्हें नहीं मिलेगा। तो तुम्हें $21 पर आवर का तो तुम्हारा मिनिमम है, ठीक है। और जो कंट्री का मीडियन है एवरेज पे रेट, आई थिंक दैट्स अराउंड $29, ठीक है। तो तुम $29 एन आवर के आसपास के बंदे तो हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें पैसा बनाना है तो एज अ कंस्ट्रक्शन पर्सन मैं तुम्हें उसमें एडवाइस ये कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पे एज अ प्लम्बर या फिर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा वो है कि तुम्हारी जितनी स्किल है, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, यू विल बी पेड फॉर इट, ठीक है। एक तुम प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही कुड एवरेजली बी पेड इन अ बिग कंपनी फॉर लाइक से $70-$75 एन आवर, बट वो अपना काम खुद डालता है, सारा रिस्क खुद करता है, तो ही कुड बी चार्जिंग अप टू $140-$150 एन आवर। तुम एक स्पार्की या फिर एक इलेक्ट्रिशियन हो तो एवरेज जो रेट है स्पार्की का दैट्स अराउंड $50-$60 एन आवर। तो मनी इज़ हेयर। और तुम्हें अगर एवरेज पे चाहिए, यू कैन जस्ट गूगल वॉट इज़ द एवरेज पे ऑक्यूपेशन वाइज, किस में कहाँ कितना है, ठीक है। जनरली इस कंट्री में इफ़ यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, यू आर इन टू जनरल मैनेजमेंट, यू आर इन टू इंजीनियरिंग, यू वुड बी फाइंडिंग योर सेल्फ इन अपर रेंजेस ऑफ मेकिंग मनी, सो दीज आर ऑलवेज गुड प्लेसेस टू बी इन, ठीक है। अदरवाइज एज बिजनेस ओनर्स पीपल आर प्रीटी वेल ऑफ हेयर एज वेल, तुम थोड़ा सा पैसा टैक्सेशन में दोगे बट देन इन रिटर्न यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री हेल्थ केयर, यू विल गेट फ्री स्कूलिंग फॉर योर किड्स, यू विल हैव गुड रोड्स, तो वो वाली भी चीज़ है, ठीक है। अब मैं कुछ इन वाले पार्ट से ना आगे वीडियोज में आई विल गो डीपली इन टू मनी पार्ट ऑफ थिंग्स, ऑक्यूपेशन वाइज कि किधर कितना ज़्यादा पैसा है, एंड देन वी कैन हैव अ चैट अराउंड इट। होपफुली दिस वीडियो वॉज ऑफ सम वैल्यू, और थोड़ी जनरल थी, बट अभी ये कुछ वीडियोज वी आर ट्राइंग टू कवर द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड देन वील स्पेशलाइज। सो अंटिल देन टेक केयर।